हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट। मैं आज आपको वेरिकोज वेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पैरों में वेरिकोज वेन होता है। कई बार स्क्रोटम जो टेस्टिस के पास होते हैं जगह है, बॉल्स होती है, वहां पे भी वेरिकोज वेन होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज सील। और जो रेक्टम में हो जाता है वेरिकोज वेन, उसको हम बोलते हैं रेक्टल हेमराइड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैरों में जो वेरिकोज वेन है उसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो कई लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन सर्जरी ही इसका इलाज है, तो मैं बता देता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग वेरिकोज वेन के साथ पूरी लाइफ जी लेते हैं और दुनिया भी छोड़ देते हैं, तो उनका कुछ नहीं होता। तो वेरिकोज वेन पर यह है कि वेरिकोज वेन का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करना चाहिए। तो मैं यहां एमडी फिजिशियन आपको सर्जरी पे स्ट्रेस नहीं करके सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। वेन क्या होती है पहले हम समझते हैं, आर्टरी क्या होती है, हमारे शरीर में क्या होता है। आर्टरी तो हार्ट से फ्रेश ब्लड को नीचे लेके जाती है, पैरों में, हाथों में, हर जगह। और जो वेन होती है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके गंदा खून है जो ऊपर लेके जाती है, फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होगा, तो ऐसे सर्कुलेशन होता है। तो वेरिकोज वेन क्या होता है कि वेरिकोज वेन जो पैरों का वेन है, जिगजैग वेन, जेब्रा की तरह, जेब्रा जेड लिखते हैं, जेड की तरह वो हो जाती है, जिगजैग ट्विस्टेड वेन हम उसको कह सकते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, वेन की वॉल्स वीक हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता। तो अब इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एक्सरसाइजेस रहेंगी कि वेरिकोज वेन में हम क्या एक्सरसाइज करें, क्या डाइट लें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। और अब मैं आपको बताता हूं वेरिकोज वेन के कारण क्या होते हैं, पहले सुन लेते हैं कारण। कारण होता है मोटापा, अगर आपका शरीर मोटा है तो वेरिकोज वेन के चांस बनते हैं। कुछ केसेस में बहुत पतले लोगों को भी वेरिकोज वेन हो जाता है, डॉक्टर देखता है, बोलता है कि भाई इसका तो ऑपरेट कराओ। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेट कराएं, ये लाइफ स्टाइल का डिजीज है, इसमें बहुत देर बैठना नहीं होता, बहुत देर खड़ा नहीं होना होता। ये जो दरबान लोग होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, वो गेट पे खड़े ही रहते हैं, तो उनके भी वेरिकोज वेन बनती है। कई बार डायबिटीज वाले पेशेंट वो मोर प्रोन होते हैं, किसी में डिसलिपिडीमिया का रहता है तो उनको भी वेरिकोज वेन वगैरह होता है। कईयों में विटामिन डी डेफिशिएंसी, ई डेफिशिएंसी, इनके कारण भी वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है। किसी में हेरिडिटरी मतलब फादर को थी, दादा को थी, दादी को थी, उससे भी फैमिली हिस्ट्री वालों को भी ये डेवलप होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ बहुत देर सिटिंग इसके लिए हार्मफुल रहता है, पतले लोगों में भी वेरिकोज वेन होता है पैरों का। अब इसका जो जांच है वो हम कैसे करें, तो इसकी जांच हम करा सकते हैं, एक तो क्लिनिकली देख के बता सकते हैं वेरिकोज वेन है। पेशेंट बोलेगा वो पेन होता है पैरों में, बहुत दर्द होता है, तो वेरिकोज वेन की वजह से हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इजीली हो जाता है, फिर भी अब हमें जांच करनी है, तो हम जांच क्या करेंगे भाई, शुगर रूल आउट कर लेंगे, थायराइड रूल आउट कर लेंगे, पेशेंट ओबीज है तो उसका वेट कम कराएंगे, उसको स्टॉकिंग्स, टाइट स्टॉकिंग्स पहनने का एडवाइस करेंगे, एक डॉपलर वेनस हम करके देखेंगे पेशेंट का बायलेटरल, तो वो क्यों करते हैं ताकि देखते हैं कोई डीबीटी तो नहीं है, कोई थक्का तो नहीं जम गया वेन में, या फिर कोई थ्रोम्बाइटिस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ वेन की वजह से। तो इन सब चीजों का मेडिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कभी भी हम सर्जरी पर डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ऑलवेज 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 गो विद मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मसाज है, माइल्ड एक्सरसाइजेस है, बहुत सारा आपको एक्सेस वाटर पीना है, कितना पिए 4-5-6 लीटर आप लिक्विड लीजिए, उसमें लेमन वाटर ले सकते हैं। कुछ डाइट है वो वेरिकोज वेन के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, एक्सरसाइज का अलग से बनाऊंगा। हाँ, ट्रीटमेंट में कुछ विटामिन थेरेपीज हम देते हैं, कुछ क्रीम हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि वो लगाए, टाइट स्टॉकिंग्स दिन में पहने, रात को उतार दे, पैरों को एलिवेटेड पोजिशन में रख के सोए, पैर ऊपर की तरफ होने चाहिए, 15 मिनट पैर को दीवार से सटका के रखना है, तो वो सारी चीजें वेरिकोज वेन के लिए रहती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि जो वेन ऑलरेडी वेरिकोज हो गई है उसमें कम चांसेस होता है इम्प्रूव होने का, पर वो भी इम्प्रूव होती है, पर ये है कि हम फर्दर आगे उसको बढ़ने से रोक सकते हैं वेरिकोज वेन को। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन के बाद भी रिकरेंस हो जाता है, तो जैसे आपने सर्जरी कराया तो क्या गारंटी है कि ये वेरिकोज वेन दोबारा नहीं होगा, होता है। तो जो भी आप कंसेंट साइन करते हैं उसमें पहले ही लिखवा लेते हैं ये वेरिकोज वेन रिकरेंस हो सकता है, होता है, तो वी आर नॉट डिफॉल्टर एटसेट्रा, तो आप उस पे साइन करते हैं और ये दोबारा भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि कंजर्वेटिवली लाइफ स्टाइल विथ मेडिकेशन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन है और आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप उससे कॉन्टेक्ट करें, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। लास्ट में धन्यवाद, टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 1 बजे के बीच में। थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।